एवरीबॉडी वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। 14 करोड़ की मूवी ने इतना ज्यादा कमा ली। मैं बात करूं द कश्मीर फाइल्स मूवी की, ऑडियंस के साथ साथ काफी लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था कि भाई ये मूवी इतना ज्यादा कमा लेगी। लेकिन मूवी ने कितना कमाया तो देखो यार, 11th डे तक इसका टोटल था 179 करोड़। और अगर 12th डे की ऑक्यूपेंसी पर नजर रखें, 12th डे के हिसाब से देखा है तो पब्लिक आ रही है इस पर्टिकुलर मूवी को देखने के लिए, और स्पेशली नाइट शोज 35% से भी ज्यादा ऑक्यूपेंसी बता रहा है भाई। और ये किसी भी मूवी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, 12th डे में इतनी ऑडियंस आना। अगर एस्टीमेट देखा है तो आज की तारीख में यानी कि 12th डे में इस पर्टिकुलर मूवी ने 10 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि रिसेंटली अक्षय कुमार की मूवी बच्चन पांडे 10 करोड़ भाई 3 करोड़ का बिजनेस करी। तो उसके सामने कश्मीर फाइल जैसी छोटी मूवी इतना कलेक्शन करे अपने 12वें दिन पे, ये किसी माइलस्टोन से कम है नहीं। तो कुल मिला के एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हो कि 189 करोड़ हो चुके हैं। लेकिन एकदम क्लियर कट आंकड़े तो कल सुबह आ ही जाएंगे भाई 12th डे का इसका कलेक्शन क्या है, लेकिन आप लोग एस्टिमेट लगा सकते हो कि 189 हो। तो इसका मतलब है कि विद इन 2 डेज ये मूवी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। और ये हफ्ता अभी भी बाकी है, यानी कि RRR रिलीज हुई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये मूवी इजीली 250 करोड़ प्लस का बिजनेस करेगी हमारे इंडिया में, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने अभी तक कश्मीर फाइल्स नहीं देखी तो यार जाके देखो, कलेक्शन बढ़ाओ। विवेक राजन अग्निहोत्री जो कि इस पर्टिकुलर मूवी के डायरेक्टर है, उनका ऐसा कहना है कि इस मूवी ने सिर्फ 11 दिन में 206 करोड़ का आंकड़ा पार किया। अब इसमें कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता, लेकिन एक तरफ तरण आदर्श जो कि बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट होते हैं, उन्होंने 179 करोड़ बताया। तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि रियल आंकड़े आखिर है क्या। तो ये मैं एज एन ऑडियंस आप पर छोड़ता कि आप लोग मुझे बताओ कि विवेक सर सही बता रहे कि इस पर्टिकुलर मूवी ने 11 दिन में 206 करोड़ का बिजनेस किया, या तरण आदर्श 179 बता रहा तो वो सही है। ये आप लोग मुझे बताना। टिल देन बाय।